नमस्कार, हूँ चिराग। गुड मॉर्निंग गुजरात में आपनुं स्वागत छे। विश्व योग दिवस नजीक में छे त्यारे योग गुरु बाबा रामदेव की आगेवानी में योगना कार्यक्रमनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। रविवारे आंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनावाशे। आंतरराष्ट्रीय योग दिवस ने बे दिवस बाकी छे त्यारे गंगा घाटे बाबा रामदेव योगा अभ्यास करावी रह्या छे। और इसको कल्प वृक्ष का है। कुछ लोगों ने ऐसी कल्पना की कि ऐसे कोई कल्प वृक्ष नाम का पेड़ होगा, जैसे मेरे दाएं बाएं और आप पेड़ देख रहे हैं, कि उसके नीचे बैठेंगे और जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा। कोई कल्प वृक्ष हमको नहीं मिला। हमने करीब 4 लाख पेड़ पौधे वनस्पतियों पर खोज की है। विश्व भेषज संहिता वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया, वर्ल्ड योग एनसाइक्लोपीडिया भी हम तैयार कर रहे हैं। हमने बहुत खोजे की है योग आयुर्वेद में। श्रद्धेय पूज्य आचार्य वाटसन जी ने PRI में हमारे सैकड़ों साइंटिस्ट मिलकर के खोज कर रहे हैं। कोई कल्प वृक्ष नहीं किया, योग कल्प वृक्ष की तरह योग करते करते जो संकल्प करते हैं वही हमारा पूरा हो जाता है। ऐसे हमें योग से मति मिलती है, भक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है, ऐसा इंस्पिरेशन मिलता है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉम्पिटिशन, सेल्फ इंस्पिरेशन मिलता है योग से। मैं कह रहा था हार्ट के ब्लॉकेज या तो कोलेटर आर्टरी तैयार हो गई, मेन आर्टरी खुल गई, हार्ट के ब्लॉकेज दूर हो गए, इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो गया, हार्ट इलाज था ठीक हो गया, हार्ट की प्रिपिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, एंजाइना था ठीक हो गया योग से, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, किसी किसी का हार्ट तेज चलने से, दौड़ने से, खेलने से एकदम पल्पिटेशन हाई होती है सबकी, किसी किसी का तो सिर्फ बैठे बैठे विचार मात्र से हार्ट के पल्पिटेशन हाई हो जाता है। जो योग करते हैं उनका हार्ट रेट 60-70 के बीच में रहता है। जब मैं योग करता हूँ तो मेरा हार्ट रेट बहुत हाई हो जाता है, और वो जब मैं तेजी से भस्मी का कपालभाति अनुलोम विलोम नमस्कार योगिक जोगी दंड बैठक लगाता हूँ तो हार्ट रेट बहुत हाई हो जाता है। ऐसे भस्त्री का तेजी से कवाल भाती तो हार्ट रेट हाई हो जाता है, लेकिन विद इन 3-5 सेकेंड हार्ट रेट एकदम नॉर्मल, इससे फेफड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, इससे पूरी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, जबरदस्त। योग से मैंने कहा हमने कुछ बड़े काम किए, बीमारियां कंट्रोल तो की लेकिन बीमारियां हमने क्योर की है, बड़ी बात है। मेडिकल साइंस के बड़े उद्देश्य माने जाते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड पैलिएशन मदद करता है प्राणायाम योग। बीमारियां पहले कंट्रोल हो बाद में क्योर, और किसी को अचानक हार्ट अटैक हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो हॉस्पिटल में जाने से पहले तो अनुलोम विलोम कर लो, मरोगे नहीं। नमरिष्यति नमरिष्यति मा विभे, डर मत, जो डरा वो मरा, योग कर। नतस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम्, ऐसे योग कर। आत्मसंयम योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योपिमतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तन मन जीवन चलौ सवारे, योग मार्ग अपना। ये योग का मार्ग ऐसा है जो जीवन में हमें व्याधियों से टाकर के समाधि तक तो लेके जाता ही है। हमारा अभ्युदय निश्चय बाहर और भीतर की समृद्धि, पूर्ण निवृत्ति में रहकर के पूर्ण प्रवृत्ति करते हुए भीतर और बाहर का पूर्ण विकास करते, विनाशकारी विकास नहीं। कोरोना से लेकर के तमाम तरह के कम्युनिकेबल नॉन डिजीज, पॉल्यूशन से डिजीज, बैक्टीरियल वायरल डिजीज, डिजीज से डिजीज, ये जो पूरा चक्र भी चल रहा है, डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, लो इम्यूनिटी,
अपने सारे संसार में एक रोगों का एक तूफान साया हुआ है, महामारियां का रूप ले रही है, महामारियों का रूप ले रही है। समाधान क्या है? कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। ये रोग तो मिटेंगे ही मिटेंगे, मन में जो हिंसा है, भय है, क्रूरता है, एक दूसरे से नफरत है, मन मस्जिद गिरजा घर में बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटे मत बांटो इंसान को, नफरत की फितरत फैली हुई है चारों, कैसे मिटेगी ये?